हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, टैबलेट ओसियोर फोर्ट। दोस्तों, ये जो ओसियोर फोर्ट टैबलेट है, मैं इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो के एंड पे मैं इस ओसियोर फोर्ट टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो ओसियोर फोर्ट टैबलेट है, ये 10 टैबलेट्स का स्ट्रिप में मिलता है। कीमत है 288 रुपीज़ एंड इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है एक्यूमेंटिस हेल्थ केयर लिमिटेड, तो ये होगी इसका कंपनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस ओसियोर फोर्ट टैबलेट को बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका हर एक टैबलेट में है कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3 1000 mg प्लस मायोइनोसिटॉल 550 mg प्लस डी कीरो इनोसिटॉल 13.8 mg एंड एन एसिटाइल स्टीन 600 mg। तो ये इसका कंपोजिशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि कहाँ पर इसका यूज देखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो ओसियोर फोर्ट टैबलेट है, इसका एक नाम भी यूज किया जाता है PCOS एंड PCOD को ठीक करने के लिए। दोस्तों, PCOS एंड PCOD फीमेल्स की उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में महिलाओं का ओवरी में छोटा छोटा पानी भरा हुआ सैक जैसा सिस्ट हो जाता है, उसी को PCOS PCOD कहते हैं, पहला यूज। एंड सेकंड आप इसका यूज देखा जाता है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट्स को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, साथ में अगर फीमेल इनफर्टिलिटी है, अगर वो शादीशुदा है, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, तो ये दवाई प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यानी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट में भी हम इसे ऐड करते हैं ताकि ये कंसीव करने में ये सहायता करे। तो दोस्तों, इसका यूज़ हो गया पहला PCOD, दूसरा हो गया इरेगुलर पीरियड्स, तीसरा हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इस दवा का इस्तेमाल कर सकती है। तो कुछ यूजेस, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में एंड ड्यूरेशन के बारे में, कौन सा डोज एंड ड्यूरेशन में या जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ PCOS एंड PCOD, रोजाना एक टैबलेट सुबह और रात खाना खाने के बाद 3 से 6 महीना तक ले सकती है। तो कुछ डोजेस, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, साइड इफेक्ट्स के रूप में इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है, नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, हाइपरएक्टिविटी, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई मिल सकता है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में कि क्या प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ये टैबलेट सेफ है। तो दोस्तों, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों ही अवस्था में सेफ है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो इसको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ सावधानी, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में कि ये जो ओसियोर फोर्ट टैबलेट है, इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स कैसा है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ मैंने इसके यूज के बारे में बताया है एंड जो डोज एंड ड्यूरेशन में बताया है, अगर उस हिसाब से आप इसे ले रहे हो तो इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।